हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स जो है, आई होप आप सभी ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स जो है, बहुत दिनों के बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ। हर किसी के फेस पे किसी के डार्क स्पॉट हैं, तो किसी की झाइयां हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करने के लिए बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट जो है अवेलेबल है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिससे लगाने से जो है हमारी स्किन, उस समय जब हम क्रीम को यूज करते हैं, उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो उस समय तो वो क्लीन हो जाता है हमारा फेस, लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे वो फिर से वो झाइयां हैं, डार्क स्पॉट है, कुछ भी जो हमारी फेस की प्रॉब्लम है वो वापस से आ जाती है अगर हम क्रीम को छोड़ते हैं। तो सारी ही क्रीम ऐसे ही हैं, ऐसा कोई भी क्रीम आज तक जो है झाइयों के ऊपर नहीं बना है कि आप जो है उसे लगाएंगे एक बार और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, आपको उसे दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा जो है, ऐसी क्रीम हो, ऐसा प्रोडक्ट मैंने मार्केट में नहीं देखा है। आपको जो है कोई भी प्रोडक्ट जो आपको सूट करता है, आपके जो डार्क स्पॉट को लाइट करता है, झाइयों को लाइट करता है, तो आपको वो रेगुलरली यूज करना पड़ता है। तो इसी के मामले में आज मैं आपके लिए, देखिए, एक ये क्रीम है मेडिसेलिक, और ये जो है क्रीम मैं अभी आपको बैक कैमरे से अच्छे से दिखाऊंगी कि इसका जो है कितना प्राइस है, क्या है, कैसी है। मेडिसेलिक जो है इसका नेम है। आप जो है मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो आपको ये इजिली जो है वहां पर मिल जाएगी। इसका जो है फ्रंट पेज ऐसा है, ये देखिए इस तरह का है, और जो है यहाँ पर ये मेडिसेलिक जो है लिखा हुआ है यहाँ पर। इसका जो है मेन जो है ये नाम यही है, आपको ये नाम लेके जो है मेडिकल पे जाना है और वहां से ये ले लेना है। तो यहाँ पर चलिए जो है प्रोडक्ट की बात करते हैं। 20 ग्राम में आता है, यहाँ पर देखिए ये 20 ग्राम में आता है, और यहाँ पर जो है इसका जो है सारा आप पढ़ सकते हैं कि कितना क्या है इसमें डला हुआ है, ये सारा कुछ जो है यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं। और इसका जो है एक्चुअल जो रेट है वो यहाँ पर है, देखिए 150 जो है इसका रेट है, 150 रुपया, लेकिन जो हमारे नज़दीकी मेडिकल है वहाँ पर मुझे ये 130 रुपये का मिला है। कम भी वो कर सकते हैं, 130 रुपये का ये मुझे मिला है, और इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पर देखिए अक्टूबर 2021 की बनी हुई है, और एक्सपायरी डेट जो है इसकी सितंबर जो है 2023 की है। तो काफ़ी चलने वाला प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि आपको बस एक महीने जो है आप इसे यूज़ करेंगे और ये ख़त्म होने वाला है, नहीं, ये कम से कम अगर आप डेली इसको यूज़ करते हैं तो 5-6 महीने आपका जो है ये 20 ग्राम की ट्यूब चल सकती है, क्योंकि ये बहुत ही कम क्वांटिटी में इसे लेना होता है। इसमें जो ये एसिड वगैरह जो डले हुए हैं, ये जो है क्लोवेटा सोल प्रोपियोनेट सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट है, तो ये मेडिसेलिक जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए हम इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की ये क्रीम आती है, इस तरह से पैकेजिंग है इसकी, तो ये मैंने यूज किया है तो इसलिए ये थोड़ा सा दबा हुआ है इस तरह का। ये जेल फॉर्म में है, थोड़ा सा क्रीमी क्रीमी है और थोड़ा सा जेल है। तो देखिए आपको जो फेस पे झाइयों पे लगाना है ना, तो आपको इतना ही काफी है, इस तरह से आपको ले लेना है। और अभी देखिए मैंने फेस पे नहीं लगाऊंगी क्योंकि दिन का समय है, थोड़ा सा मैंने मेकअप किया हुआ है, तो मेकअप के ऊपर नहीं लगाना है, आपको फेस क्लीन करना है तब आपको लगाना है। और इस तरह से अपने फेस पे लगाएंगे, ऑयली सा है ये देखिए इस तरह का, और ये जो है ऑल स्किन टाइप। मुझे मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज किए हैं, जब देखे मेरी झाइयां हैं फेस पर, अभी तो मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन वगैरह लगा रखा है, लेकिन झाइयां रहती हैं, हर किसी के फेस पे प्रॉब्लम रहती हैं डार्क स्पॉट की, झाइयों की। ऐसा जब हम हमारी जो है उम्र बढ़ती जाती है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है हर किसी के फेस पे रहता है। तो सबसे पहले जो है मेरी झाइया स्टार्ट हुई थी यहाँ पर नाक पर, तो मैंने क्या किया उस समय, जो मेला केयर आती है, मेला लाइट, मेला केयर, आप सभी जानते होंगे जिनकी जो है झाइया हैं फेस पे, वो इन प्रोडक्ट के बारे में तो जानता ही है कि किस तरह की ये होती हैं। तो मैंने वो यूज की थी मेला केयर। तो जैसे मेला केयर को यूज करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर आप कहीं पर भी जो क्रीम को लगाते हैं तो उसके बाद जब आप धूप में निकलते हैं तो वो रेड रेड सा हो जाता है, या फिर अगर जैसे कभी गर्मी होती है तो आपका फेस बिल्कुल रेड हो जाता है, इस तरह की वो प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन जो ये क्रीम है, ये प्रोडक्ट है, मैंने इसको यूज किया है, मुझे ये किसी ने बताया था। देखिए इस प्रोडक्ट को जो है प्रचार करने के लिए मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए है, जब मुझे इसका फायदा हुआ है तभी जो है मैं ये आप लोगों साथ शेयर कर रही हूँ कि ये किस तरह का प्रोडक्ट है। इसको लगाने के बाद मैंने देखा है जैसे कि आपका फेस जो है रेड भी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात होती है जब आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसको लगाने के बाद जैसे आप धूप में निकलते हैं तो थोड़ा सा आपका फेस रेड रेड सा लगता है, तो जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये प्रोडक्ट जब मैंने यूज किया और जैसे मैं धूप में गई या कभी भी कहीं भी जाते हैं
तो मैंने इससे देखा कि रेड नहीं होता है आपका फेस। और दूसरा जो है आप इसको लगाएंगे तो आपका जो है एक हफ्ते में, कम से कम अगर एक हफ्ता जो है आपने इसे डेली लगा दिया तो एक हफ्ते में ही आपको रिजल्ट इसका मिल जाएगा। मान लो कि आपके फेस पे बहुत सारी झाइयां हैं, डार्क स्पॉट है और आपके घर में फंक्शन है, एक हफ्ते बाद या 15 दिन के बाद आपने मेरी ये वीडियो देख ली, तो आप इसे खरीदिए और इसे लगाइए। और इसको लगाने के बाद आप जो रिजल्ट देखेंगे ना, तो आप वाकई इससे हैरान रह जाएंगे। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसको लगाने के बाद। और साइड इफेक्ट की देखिए मैं बात एकदम दावे के साथ नहीं कह सकती, क्योंकि हर किसी की स्किन जो है अलग अलग होती है। मेरी स्किन ड्राई है और मेरी स्किन ऐसी है जो मुझे हर कुछ जो है सूट हो जाता है। कभी भी मेरे फेस पे पिंपल्स वगैरह नहीं हुए, झाइयों की प्रॉब्लम हुई है लेकिन पिंपल्स वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है मेरे फेस पे। अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी जैसे प्रोडक्ट लगाते हैं उससे कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप थोड़ा सा सोच समझ के लीजिए। उसके बाद जो है इसका छोटा वाला पैक भी आता है, आप छोटा वाला पैक यूज करिए, या फिर कुछ दिन तक अपने जहां पे सेंसिटिव एरिया होता है आपका, जैसे यहाँ पे या इधर कान के पास, इधर पे आप लगाइए। अगर आपको ज्यादा ईचिंग होती है तो आप इसे जो है तुरंत बंद कीजिए, और अगर आपको इस सूट करती है तो आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। तो ये जो क्रीम है ये मैंने अपनी जिम्मेदारी पे अपने फेस पे लगाई है। तो आप भी अगर ट्राई करना चाहते हैं अपनी जिम्मेदारी पे, ऐसा नहीं कि आपने मेरा वीडियो देख लिया तो आप उसके बाद यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। किसी बहुत सारी वीडियो होती हैं YouTube पर, सोशल मीडिया पर, और ऐसे ही हम किसी की वीडियो देखकर जो है अपने फेस पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं अपनी स्किन की बात करूँ तो मुझे ये सूट हुई है और कोई भी मेरे फेस पे पिंपल्स वगैरह नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। उल्टा इसने जो है मुझ पे बहुत अच्छा असर किया है। यहाँ पर जो है मेरे माथे पे झाइयां प्रॉब्लम हो गई थी, इधर हो गई थी, इस साइड हो गई थी, तो मैंने एक हफ्ते तक इसे यूज किया है और एक हफ्ते में ही ये जो है इससे एकदम साफ हो गई है। और ऐसा नहीं कि मैंने ये पहली बार यूज किया, इससे पहले भी मैंने इसे यूज किया है। ये दूसरी या तीसरी क्रीम है मेरी, लेकिन इसे मैंने कंटिन्यू कभी यूज नहीं किया। जैसे कि 2-3 साल पहले मैंने इसे यूज किया था, उसके बाद जो है 6 महीने पहले यूज किया था। इस तरह से मैं इसे यूज करती, मतलब जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फेस पे ज्यादा ही झाइयों की प्रॉब्लम हो गई है, उस समय मैं इसे यूज करती हूँ, ऐसे डेली यूज नहीं करती हूँ। लेकिन फ्रेंड, जब भी आप इसे यूज करेंगे तो आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है, आपका फेस क्लीन होना चाहिए। अभी मैं इसे यूज करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं इसे रात के समय में लगाती हूँ। रात के समय हमारा फेस एकदम क्लीन हो जाता है, हम फेस वॉश करते हैं जैसे तो क्लीन होता है, उस समय कोई मेकअप वगैरह नहीं होता। इस समय थोड़ा सा मैंने हल्का सा मेकअप किया हुआ है, तो मेकअप के ऊपर इसे बिल्कुल नहीं लगाना, इसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, एलर्जी वगैरह हो सकती है। आप जो है मेरी बात को ध्यान से सुनना कि इसे यूज कैसे करना है। सबसे पहले आप जो है अपने फेस को क्लीन करेंगे और रात के समय में ही इसे लगाना है। रात के समय में आपको फेस वॉश करना है, उसके बाद आप अपना फेस जो है ड्राई करना है, उसके बाद थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है, ज्यादा भी नहीं लेना है, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में इसको लेना है और इस तरह से डैप टैप करके लगाना है। जहां पर आपके झाइयां हैं वहीं पर इसको लगाइए। अगर आपके पूरे फेस पे तो पूरे फेस पे लगाइए, हाँ लिप एरिया है या आईज एरिया है इसको छोड़कर आप जो है इसको कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये जगह जो है हमारी बहुत सेंसिटिव एरिया होती है, इससे जो है हमें एलर्जी या साइड इफेक्ट का भी खतरा रह सकता है। तो इसको जो है रात को ही लगाना है, दिन में धूप में नहीं लगाना है, दिन में जो सनलाइट पड़ती है इससे थोड़ा सा ये एलर्जी कर सकता है। और इसको जो है आप जैसा आपने फेस वॉश कर दिया, उसके बाद आप अपना फेस जो है ड्राई कर दिया, उसके बाद थोड़ी क्वांटिटी में लेना है और जहां पर आपकी झाई है वहां पर इसको लगा देना है। और हल्का सा, बस थोड़ा सा इस तरह से जैसे कि हम क्रीम लगाते हैं, ज्यादा मसाज नहीं करनी है इससे, कुछ नहीं, मसाज बिल्कुल नहीं करना, बस 1 या 2 सेकंड बॉडी में, मिनट नहीं बॉडी, देखिए सेकंड आप ध्यान रखिए, सेकंड बॉडी में कुछ सेकंड के लिए इस तरह से जैसे हम मतलब क्रीम लगाते हैं, जैसे कोई दवाई लगाते हैं, इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से लगा दिया और इस तरह से लगा दिया और इसको छोड़ दिया। ज्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा क्वांटिटी में लगाना है। आपने इसको लगा दिया, उसके बाद आप पूरी नाइट इसको जो है इसको अपने फेस पर रखेंगे और सुबह उठ के जो है अपना फेस वॉश कर लेंगे।
उसके बाद जो है अपना दिनचर्या जैसे आप शुरू करते हैं, अपना जो है मेकअप शेड्यूल आप शुरू करते हैं, जैसे कि आपने सनस्क्रीन लगा दिया, मॉइस्चराइजर लगा दिया, ऐसे ही आप जो है दिन में कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन दिन में इस क्रीम को नहीं लगाना है। आप देखेंगे एक हफ्ते में ही आपको फर्क नजर आ जाएगा। लेकिन उससे जो है दूसरी बात ये है कि अगर आपका फेस एक हफ्ते में क्लीन नजर आता है, 15-20 दिन हो गए हैं, आपको लग रहा है कि मेरा फेस बिल्कुल क्लीन हो गया है, मुझे ये दवाई अब छोड़ देनी है, लेकिन ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है। जैसे आप डेली लगाते हैं तो आप डेली लगाते हुए उसके बाद जो है एक दिन का गैप दीजिए, जब आप इसको छोड़ना चाहोगे तो एक दिन का गैप दीजिए, उसके बाद जो है 2 दिन का गैप दीजिए, उसके बाद जो है 3 दिन का गैप दीजिए, उसके बाद 4 दिन का, 5 दिन का, इस तरह से आपको इसको छोड़ना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं? जैसे कि अभी आप डेली लगाते हैं, आपका फेस क्लीन हो गया है, उसके बाद आप एक दिन लगाइए, एक दिन छोड़ के लगाइए, फिर 2 दिन छोड़ के लगाइए, फिर 3 दिन छोड़ के लगाइए, इस तरह से इसको छोड़ना है। एकदम से आप नहीं छोड़ेंगे, वो आपको जो है गलत रिएक्शन करेगा। गलत रिएक्शन का मतलब जो है जैसे कि आपकी झाइया एकदम खत्म हो गई, आपने छोड़ दिया, तो उसके बाद वो धीरे धीरे वापस आ सकती हैं झाइया। ऐसा नहीं कि इसे परमानेंट ही नहीं जाती हैं, आपको इस तरह से इसे यूज करना ही पड़ेगा। जैसे कि 2 दिन छोड़ के यूज कर दिया है, कभी कभी 3 दिन छोड़ के यूज कर दिया है और बिल्कुल ही खत्म हो गई है फेस पे झाइया, तो फिर भी आपको हफ्ते में एक बार इसको लगाना ही है। तो जब आप देखेंगे पूरी तरह से आपके झाइया चली गई हैं, तो उसके बाद तब आप इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन एकदम से नहीं छोड़ना जब आप इसे स्टार्ट करेंगे। तो समझ गए होंगे कि आपको कि इस क्रीम को यूज कैसे करना है, क्या करना है। तो फ्रेंड्स जो है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।